लो इनसे। अरे कुछ नहीं करे। अरे तू इतना डरोगी तो कैसे करोगी? जाओ खेलो जाओ। कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं करेगी यार। शिल भी तुम झट के मत मारो। किचन में नहीं जाना है। अब टहलो घूमो जो करना है वो करो। हेलो नो नो चलो आजा बाहर आजा आजा कम 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 कलर सही है तो ये है। हेलो हेलो कुछ ये देखिए चप्पलें दिखाएगा जहाँ किसके पहने होंगे और एक चीज काटेगा जिससे काटा। अरे देखो पागा है प्रसाद है हमसे थोड़ा कायदे में जरा समझे कि नहीं है कायदे में जरा बताओ सबको बताओ सबको क्या नाम है तुम्हारा पीलो पीलो अच्छे से पीलो जाओ अच्छा उनके पास जाओ जाओ गो क्या हो गया बैठा हुआ है। 12:00 PM सोने दो भाई No response. क्या हो गया मन नहीं लग रहा क्या पानी पीना क्या हो गया नहीं माँ से तो ये दूर 4-5 दिन पहले ही आ गया था बता रहा था वो खुद बता रहा था मेरे पास एक पुरानी चादर है मैं इसे लगा दूँ क्या इसके ऊपर देखें ऊपर लगा के देखता हूँ आगी आगी ए लाइट नहीं खाना लाइट नहीं खाना नो 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 तुम लेट जाओ तुम लेटे थे तभी ठीक था लेट जाओ गो टू स्लीप बॉय गो टू स्लीप जाओ मम्मा बुला रही जाओ हो इसकी माँ तुम इसकी कोई नहीं हो सुसु करने पोछा मार मुझे नहीं पता इस कमरे में बदबू नहीं आनी चाहिए मुझे नहीं पता बिना इसे घूमने दो तू पोछा लेकर आ रात के बज रहे 12:30 और देखो भाई साहब को मस्ती चढ़ी हुई है ये देख देख अगर तूने क्या ये इतनी इतनी शुशु की करी जाती है ये शुशु क्यों की पहले बताओ शुशु क्यों की ये हैं हैं क्यों करी ये शुशु ऐसे ऐसे कौन शुशु करता है ऑगी बैड मैनर्स ऑगी ये ऐसे शुशु करते हैं रात को हैं हाँ चलो बाहर चलो देखो फुर्ती आ रही है रात को 12:30 बजे फुर्ती सूझ रही है थका दूंगा तुझे और फिर तू सो जाएगा नो मैन प्लीज कोई तार नहीं खाना है तुझे ओके नो मैन तार क्यों खाना है तुम्हें व्हाई डू यू वांट टू ईट तार वो देखो वहां भी सुसु किया था अभी थोड़ी देर पहले खुद सुसु करो फिर उसको चाटो हैं तुम्हारा सही है तेरा सही है बॉस फिट है बॉस ये देखो खुद से लड़ना है ऊपर नहीं आ जाएगा भाई वो द नेक्स्ट डे हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग वी हैव गॉट अ न्यू पपी एंड दिस इज ऑगी हाँ क्या हो गया ये पोमेरियन है गोल्डन कलर का अभी सिर्फ 35-40 डेज का है ये पप काफ़ी दिनों से हो रहा था कि ये पपी लाते हैं तो बस भाई
पपी की ड्यूटी पूरी करते हुए बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम ले लिया है हम लोगों ने अपने सर पे, बट ठीक है, हमने विलिंगली ये किया है तो वी आर रेडी फॉर इट। मैं और शिल्पी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर के। शिल्पी थोड़ी थोड़ी सी डरती है, अभी ऊपर चलेंगे आप लोग को दिखाना। नो नो अगी, अभी इतना छोटा है कि इसको जो ये कॉलर पहनाया है इसको अच्छे से फिट नहीं आता है, इसका कुछ करना पड़ेगा या फिर थोड़े दिनों में अपने आप ही ये सही हो जाएगा। चलो आओ इधर आओ, बाहर आओ। मैं इसको लेके आ गया सुबह सुबह कॉलोनी में टहलाने को, खेल रहा है ये मस्त। इसका नाम हम लोगों ने रखा है ऑगी, ऑगी द मैड बॉय। और कल रात तो इसने बहुत परेशान किया, हर जगह सुसू, हर जगह पॉटी। इसका पॉटी ट्रेनिंग का कुछ देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। तो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देख लो कि डॉग पॉटी ट्रेनिंग का कैसे क्या सिस्टम रखते हैं, ताकि इसको थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग दिया जाए पॉटी शुशु की, ताकि ये घर पे ना करे, नीचे आए तब करिए। तो चलो घरे घर पे तो बालकनी वगैरह में निकल करके आए ऐसी जगह पे। यार अभी तो छोटा है, 30 दिन का है, कल इसका पहला दिन था, तो एक दो दिन में सीख जाएगा कि कैसे क्या करना है। राइट ऑगी, कर रहा है मैन, यस वाओ। ऑगी डिड पॉटी, ऑगी डिड हिज फर्स्ट पॉटी नीचे। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं पॉटी नहीं खाते, जहाँ पॉटी करते हैं वहाँ रुकते भी नहीं है। चलो आगे चलो चलो, शुशु भी कर रहा है क्या? जब ऐसे बैठता है तो शुशु करता है, कल रात से इतनी ऑब्जर्वेशन तो मैंने कर ली है। ऑगी शुशु भी कर लो एक राउंड यहाँ पे, फिर चलो घर चलें। मैं 2 बजे सोया हूँ यार ऑगी, मेरी कुछ फिक्र कर ले, सुबह तेरे चक्कर में 6:30 बजे उठाऊँ, रात को 2 बजे सोया हूँ। देखता हूँ यार मैं अभी कुछ पॉटी ट्रेनिंग वगैरह देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि छोटे पपीज़ को कितनी फ्रीक्वेंटली पॉटी जाने का होता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है एक पेट के साथ, तो मैं भी धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ। हम लोग दोनों ऊपर आ गए हैं, जगह जगह इसने रात भर में सुसु किया है। देखो ये सुसु, हटो, तुमको खेलना नहीं है इसके साथ, मना किया था ना उस दिन खेलने को इससे, हैं? क्यों क्यों क्यों, ज़्यादा दम आ रहा है, हाँ ज़्यादा दम आ रहा है, जिस पे सुसु करता है उसी को चाटता है, हैं? छोड़ दे, अच्छा छोड़ दे, चल छोड़ दे, और भी छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो तो धूप में ऐसे सुखा दो, सैनिटाइज़र मारना पड़ता है यार जिधर ही सुसु करता है, महक आती रहती है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है बस। ऑगी को अब हम देंगे ऑगी के बिस्किट्स, पहले मैं सोचता था ज़मीन में रख के दूँ, लेकिन नहीं अब इसमें ही रख के दूँगा, और अभी इसको कम कम खिलाना है तो इसीलिए छोटा छोटा मैं दे रहा हूँ, देखते हैं खाता है नहीं खाता है, कैसे है क्या है। तो देखो शिल्पी मैडम हमारे ऑगी को टहलाते हुए दोस्ती करते हुए, ये लो खाओ, मैं डॉगी को ट्रीट दे रहा हूँ अपने हाथों से। ऑगी एंड शिल्पी टुगेदर, ऑगी एंड शिल्पी। इसके कुछ टिक्स हो रहे थे, मैंने क्या किया कि नीम ऑयल लिया और उसको गरी के तेल में मिक्स करके इसको जहाँ जहाँ पे टिक्स थे वहाँ वहाँ पे लगाया। थोड़ा सा गूगल पे पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें तो यही मिला। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा ये, थोड़ी देर इसको ऐसे ही बैठाए रखते हैं फिर इसको नहलाएंगे। अभी कितना बज गया है, 1:15 बजे मैंने इसको लगभग लगाया, 1:10 पे लगाया है, एटलीस्ट 1:30 बजे अब इसको नहलाएंगे, ताकि जो थोड़े बहुत कीड़े हैं अगर वो निकल जाते हैं तो बढ़िया है, वरना नीम के पत्तियाँ ला करके उसको बॉयल करके तब इसको नहलाते हैं। मैं नीचे जाके देखूं क्या कि नीम की पत्ती अगर मिल रही हो तो कहीं। A few moments later. तो गैस मुझे नीम की पत्तियाँ मिल गई हैं, मैं उसको कर देता हूँ बॉयल, तो इसका पानी यूज कर लेंगे इसको नहलाने में। क्यों बे? हाँ जी क्या कह रहे हो आप? शादी की ढंग की फोटोज नहीं है भाई, जैसे हम और तुम लगते हैं वैसी फोटोज होंगी, मतलब हम दोनों के साथ में पोज़ेस है ही नहीं कोई ढंग के यार, तो फोटोग्राफर का मतलब। तो भैया जी को मस्त नहलाया, इसके बाद इनको दूध पिला रहे हैं, इनका डॉग फूड खिला रहे हैं ताकि ये मस्त उसके बाद सो पाए। थोड़ा सा गीला भी है, नेचुरली अपने आप सूखेगा, थोड़ा तो मैंने पोंछ दिया ही था, ठंड लग गई इसको लगता है कांप रहा है, वैसे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ किया था बट फिर भी थोड़ी ठंड लगती है डॉगी इसको, ये तो पप है तो उसको और लगेगी, पूरा सूख जाएगा तब इसको कंघी वंघी करूँगा, अभी नहीं है ना, कंघी अभी नहीं करना है ना सूखने के बाद। डॉगी हमारा सो रहा है,
बीवी हमारी किचन में है, बना रही हैं पराठे, मतलब बेलेंगी वो, सेकूंगा मैं, सब्ज़ी भी मैडम ने बनाई है, आज मैडम की तबीयत थोड़ी बेटर है, राइट शिल्प? हाँ जी। तो इसकी एक ट्रिक है, तुमने बताया सादे पराठों को फुलाने की, क्या है वो ट्रिक, क्या है वो राज जो आज तक सारी महिलाएं अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है, तो क्या है वो ट्रिक, आज कर दो खुलासा उस ट्रिक का। तो ट्रिक ये थी कि मैडम ने बोल दिया कि ट्रिक नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, मगर एंड रिजल्ट ऐसा आया है भाई, देख लो, घी से सिके हुए देसी घी के पराठे हैं, लज्जतदार। ओके मैडम, ओके ओके, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, नेक्स्ट पराठा अपुन बेलेगा, बेलेगा सेकेगा, आई मीन सेकेगा, नॉट बेलेगा। तो भाई लोग खाना खाने के बाद हम दोनों और अपना ऑगी तीनों लोग खेले, दौड़े धूपे, नहीं पानी मत गिराओ यार, मजाक में है, ओके। तो हम तीनों लोगों ने दौड़ा धूपा थोड़ा बहुत खेला, खेल रहे हैं हम तीनों मज़े में, अपना टाइम पास हो रहा है बहुत अच्छा। ऑगी को इसीलिए लेके आए कि शिल्पी पूरे दिन अकेले रहती है तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा उसका भी, इसके आने से ना एक अलग ही वाइब है पूरे घर में, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब, क्यों शिल्पी, इसके आने से एक पॉजिटिव वाइब है ना घर पे, बिल्कुल। इसको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, कल से आज तक में इसने 3 बार पॉटी करी, 3 बार से 2 बार घर के अंदर करी, 1 बार बाहर करी, और सुसु तो अनगिनत बार पता नहीं कितनी बार घर पर करी। अभी इसका कुछ मैं और भी वीडियोस देख रहा था, पॉटी ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस देख रहा था कि कैसे होती हैं इनकी पॉटी ट्रेनिंग वगैरह, सुसु ट्रेनिंग वगैरह, तो देखते हैं धीरे धीरे और भी सीखेंगे कि कैसे पालना है इन लोगों को और कैसे ट्रेनिंग देनी है इन सब चीज़ों की। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को री एंड करते हैं, यहाँ तक वीडियो देखा हो तो प्लीज़ लाइक करो मेरे लिए, नहीं तो इस बेचारे ऑगी के लिए तो लाइक कर दो यार, ठीक है ना। कितना क्यूट पपी है ये, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अपना पोमेरियन ब्रीड का डॉग है, मेल डॉग है जो कि गोल्डन कलर का है, ओके। तो तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, टेक केयर गाइस, बाय।